हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। और इस वीडियो में हम PHP MySQL की हेल्प से कैसे एक वेब एप्लीकेशन को बनाया जाता है वो सीखने वाले हैं। तो इसमें हम एक छोटी सी वेब एप्लीकेशन बनाने वाले हैं और इसे हम स्टार्टिंग से लेके एंड तक बनाएंगे और सीखेंगे कि कैसे एक प्रोजेक्ट को स्टार्टिंग से एंड तक बनाया जाता है और क्या क्या उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और कैसे आप उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं प्रॉब्लम्स आने से। तो अगर आप बिगिनर्स हैं और एक प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो ये आपके आपके लिए एक फ़र्स्ट प्रोजेक्ट हो सकता है जिसमें आप काफ़ी बेसिक चीज़ें सीख सकते हैं। और यदि आप स्टूडेंट हैं और कॉलेज में स्टडी कर रहे हैं तो भी आपको जो कॉलेज के प्रोजेक्ट मिलते हैं उसमें अगर आप वेब एप्लीकेशन बनाने वाले हैं तो उसमें भी काफ़ी हेल्प होने वाली है। तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही काम की हो सकती है क्योंकि इसमें हम जो प्रोजेक्ट में बहुत ही बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म होती हैं उन्हें हम सीखेंगे कि कैसे करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा स्टेप है कि हमें पता होना चाहिए कि हम क्या बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या है कि अपना प्रोजेक्ट का नेम सोचिए कि आप प्रोजेक्ट का नेम क्या रखने वाले हैं। यहाँ हम एक बुक रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम बनाने वाले हैं। अब ये बुक रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम ज़्यादा बड़ी एप्लीकेशन तो नहीं है लेकिन ये बहुत बड़े प्रोजेक्ट का एक छोटा सा पार्ट हो सकती है। लेकिन इस छोटे से प्रोजेक्ट से हमें काफ़ी मामूली सी चीज़ें पता चलेंगी, काफ़ी बेसिक चीज़ें, बेसिक्स हम जानेंगे इस एप्लीकेशन से। ठीक है, तो दिस इज़ बुक रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम। तो इस सीरीज़ को मैंने कुछ पॉइंट्स में कवर किया हुआ है, सो देखते हैं उन पॉइंट्स को। हाउ टू स्टार्ट, तो एक प्रोजेक्ट को बनाना स्टार्ट कैसे करना है। सबसे पहला स्टेप है फिक्स योर गोल, मींस आप अपने गोल्स को फिक्स कीजिए कि आपके प्रोजेक्ट में क्या क्या होना चाहिए। क्योंकि जनरली क्या होता है, स्टूडेंट्स या पर्सन जो भी लोग होते हैं, लोग क्या करते हैं कि प्रोजेक्ट में वो चाहते हैं कि मेरे प्रोजेक्ट में ये भी होना चाहिए, मेरे प्रोजेक्ट में ये भी होना चाहिए, मेरे प्रोजेक्ट में ये भी होना चाहिए, और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें वो सोच लेते हैं कि उनके प्रोजेक्ट में ये सब होने चाहिए। लेकिन जनरली क्या होता है कि वो जैसे उन्होंने 6 चीज़ें सोची कि मेरे प्रोजेक्ट में ये 6 चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन 4 चीज़ें उन्हें आती हैं कि कैसे करनी है, लेकिन दो चीज़ें उन्हें नहीं आती कि कैसे करनी है। तो फिर क्या होता है, अगर वो 2 चीज़ों को नहीं कर पाया तो उसका प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट माना जाता है। और प्रोजेक्ट का कंप्लीट होना ज़्यादा ज़रूरी है बजाय इसके कि आप उसमें काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की करें। ओके, तो अपनी रिक्वायरमेंट्स को फिक्स कर लीजिए पहले ही। उसके बाद रिक्वायरमेंट फिक्स करने के बाद आप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप है नेविगेशन डायग्राम। अब नेविगेशन डायग्राम क्या है, ये एक ऐसा डायग्राम है जो आपकी पूरी वेब एप्लीकेशन में जितने भी पेजेस हैं उसमें किस पेज से किस पेज पर मूव करना है वो शो करता है। तो इस नेविगेशन डायग्राम से काफ़ी हद तक बहुत से बेसिक चीज़ें हमें पता पड़ जाती हैं कि किस पेज से किस पेज पर मूव करना है और कंट्रोल किस पेज से किस पेज पर जा रहा है। तो इसमें हमें नेक्स्ट स्टेप है फाइनलाइज फाइल्स। तो नेविगेशन डायग्राम बनाने के बाद हमें काफ़ी हद तक मालूम पड़ जाता है कि हमारे हमारे एप्लीकेशन में कितनी फाइल्स लगने वाली हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम यही करते हैं, हम अपनी फाइल्स को फाइनलाइज करते हैं कि इतनी फाइल्स हमें लगने वाली हैं इस वेब एप्लीकेशन को बनाने के लिए। तो नेक्स्ट स्टेप है डिज़ाइन द डेटाबेस। अब डिज़ाइन द डेटाबेस, डेटाबेस में नेक्स्ट स्टेप में हम डेटाबेस को डिज़ाइन करते हैं और यहीं हम ER डायग्राम को डिज़ाइन कर लेते हैं।
जिससे हम टेबल क्रिएट करते हैं। अब ईआर डायग्राम एक इम्पोर्टेंट डायग्राम है, क्योंकि इसी डायग्राम से हम टेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं। एंड लास्ट क्रिएट पेजेस, देन हम कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं। सो डोंट वरी, मैं इन सब को अभी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो फर्स्ट पॉइंट को देखते हैं, फिक्स योर गोल। तो हम इस वेब एप्लीकेशन में, जो कि हमारे बुक रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम है, इसमें हमें क्या करना है। मान लीजिए कोई शॉपकीपर है, या हाँ शॉपकीपर है, और उसके पास एक बुक रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो वो क्या कर सकता है उसमें, तो वो क्या कर सकता है एप्लीकेशन में, बुक्स को इंसर्ट कर सकता है। जो नई बुक्स हैं उन्हें इंसर्ट कर सकता है, जो टोटल बुक्स हैं उन्हें व्यू कर सकता है, और वो हर एक बुक को अपडेट कर सकता है। मींस उसके प्राइस में, प्राइस वगैरह में, या कवर वगैरह में अपडेट कर सकता है, और जो बुक उसे नहीं चाहिए उसे वो डिलीट कर सकता है, ठीक है। तो ये चार ऑपरेशंस हमें अपनी वेब एप्लीकेशन में परफॉर्म करानी होंगी, इंसर्ट, व्यू, अपडेट एंड डिलीट। ओके, तो जैसा कि हमें पता है कि हमें अपनी एप्लीकेशन में ये चार एप्लीकेशन, चार ऑपरेशन परफॉर्म करनी है, तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, नेविगेशन डायग्राम में इंसर्ट, व्यू, अपडेट और डिलीट के लिए अलग अलग चार पेजेस बना लेंगे, और एक पेज बनाएंगे हम होम पेज से, होम पेज का, जिससे हम क्या करेंगे इस इन चारों पेजेस पर मूव कर सकते हैं। ये रहा, एंड आप यहाँ देख सकते हैं ये वाइट कलर की जो फाइल्स हैं ये सिंपल HTML कोड है, ठीक है। और ये ग्रीन कलर की जो फाइल्स हैं ये वो फाइल्स हैं जो डेटाबेस से कम्युनिकेट कर रही हैं। तो कंट्रोल क्या होगा, होम पेज से यूज़र इंसर्ट फॉर्म पे जाएगा, ठीक है। अगर उसे बुक ऐड करनी है तो वो इंसर्ट फॉर्म पे जाएगा, बुक की डिटेल्स डालेगा, और जब वो सबमिट बटन पर क्लिक करेगा तो इस फॉर्म से बुक की इंफॉर्मेशन और डिटेल्स जो हैं वो इंसर्शन डॉट PHP फाइल पर जाएगी। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ वो ऑपरेशन परफॉर्म होगी जिससे क्या होगा, जो डिटेल्स हैं वो इस डेटाबेस में जाके स्टोर हो जाएगी। तो हमें इस फाइल में वो कोड लिखना है जिससे इंफॉर्मेशन डेटाबेस में स्टोर होने वाली है, ठीक है। इसी तरह से व्यू डॉट पी एच पी में क्या है, इंफॉर्मेशन डेटाबेस से फैच होकर इस व्यू डॉट पी एच पी पेज पर शो होगी। तो इसलिए ये एरो जो साइन है ये उल्टा लगाया गया है, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन है, जो डेटा है, वो डेटाबेस से व्यू पेज पर आ रहा है। इसी तरह से जब यूज़र अपडेट फॉर्म पर जाएगा तो वहाँ उसको एक फॉर्म नज़र आएगा जिसे उसे जिसमें उसे ऑलरेडी जो डिटेल्स हैं बुक्स की वो शो होंगी, उसमें वो कुछ अपडेट कर सकता है। तो उसकी डिटेल्स, जितनी भी बुक्स की डिटेल्स हैं, वापस से वो डिटेल्स अपडेशन फॉर्म पे जाएगी, अपडेशन पेज पर जाएगी, और यहाँ एक कुछ ऐसा कोड लिखा जाएगा जिससे जो डिटेल्स हैं वो अपडेट हो जाएं डेटाबेस में जाके, ठीक है। इसी तरह से डिलीशन के लिए यूज़र डिलीट फॉर्म पर जाएगा, और यहाँ वो यूज़र बुक्स की आईडी डालेगा, ठीक है। और फिर कंट्रोल जाएगा डिलीशन पेज पर, एंड यहाँ कुछ ऐसा कोड लिखा जाएगा कि जो यूज़र डिलीट करना चाहता है बुक को, वो बुक यहाँ से डेटाबेस से डिलीट हो जाए। तो ये एक नेविगेशन डायग्राम है। तो नेविगेशन डायग्राम बनाने के बाद हम देख सकते हैं कि हमारी कितनी फाइल्स लगने वाली हैं, ठीक है। तो यहाँ PHP फाइल्स हैं, तो सबसे पहली फाइल है हमारी होम फाइल, होम डॉट पी एच पी, देन इंसर्ट डॉट इंसर्ट फॉर्म डॉट पी एच पी, व्यू डॉट पी एच पी, अपडेट फॉर्म
form.php एंड delete form.php, एंड तीन फाइल्स हैं इंसर्शन, अपडेशन एंड डिलीशन के लिए। एंड एक CSS फाइल ली है मैंने, जिससे मैं अपनी एप्लीकेशन को स्टाइल दे सकूं। आप यहाँ CSS फाइल की हर एक पेज के लिए अलग अलग CSS फाइल ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ एक ही फ़ाइल ली है। और यहाँ मैंने जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल नहीं ली है, आप चाहें तो ले सकते हैं, अगर हमें ज़रूरत हुई तो हम आगे ले लेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं कोई CSS फाइल, कोई जावास्क्रिप्ट फाइल नहीं ले रहा हूँ। ओके, तो अभी आप देख सकते हैं इतनी फाइल्स हमें लगने वाली हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डिज़ाइन डेटाबेस। अब डेटाबेस को डिज़ाइन करने के लिए मैंने यहाँ देख सकते हैं आप, एक मेरा डेटाबेस का नेम रख लिया है BRMDB। मैंने यहाँ बुक रिकॉर्ड मैनेजमेंट का शॉर्ट फॉर्म लिया है BRMDB, BRM_DB, जो मेरा MySQL डेटाबेस है उसका जो मेरा यूज़र नेम है वो रूट है, पासवर्ड मैंने कुछ नहीं दिया है, एंड टेबल नेम बुक है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ ER डायग्राम मैंने क्रिएट किया है। तो यहाँ मेरा मैंने एक एंटिटी ली है, बुक एंटिटी ली है, जिसकी कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे कि एक एट्रीब्यूट है बुक ID, बुक टाइटल एंड ऑथर एंड प्राइस। ओके, तो ER डायग्राम से हमें काफ़ी हद तक पता पड़ जाता है, जैसे कि आप जानते हैं कि जो ER डायग्राम में हमारा एंटिटी होती है वही हमारा डेटाबेस में टेबल होती है, एंड ER डायग्राम में जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, ये ओवल साइन में जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वही हमारे टेबल में कॉलम्स होते हैं। मैं इस ER डायग्राम से एक टेबल क्रिएट कर लेता हूँ। सो दिस इज़ अ टेबल। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक डेटाबेस बनाएंगे, डेटाबेस का नेम है BRMDB। तो उसकी क्वेरी यहाँ मैंने लिखी हुई है BRMDB, क्रिएट डेटाबेस BRMDB। तो डेटाबेस बन जाने के बाद हम एक टेबल बनाएंगे, तो उसके लिए लिखना है क्रिएट टेबल और बुक, और यहाँ आपको पैरेंथेसिस लगाने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट कॉलम इज़ बुक ID, और मैंने यह बुक ID इंट टाइप के लिए है, जिसकी लेंथ है 5, एंड इसे मैंने प्राइमरी की दिया हुआ है, प्राइमरी की एंड ऑटो इंक्रीमेंट दिया हुआ है, जिससे क्या होगा कि जो बुक ID है उसकी वैल्यू हर बार जब भी एक नई बुक इंसर्ट होगी हर बार ऑटोमेटिकली एक वैल्यू प्लस हो जाएगी, मींस उसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी। और प्राइमरी की इसलिए दिया गया है क्योंकि दो बुक ID कभी सेम नहीं होंगी और ये कभी वैल्यू नल नहीं होगी, तो प्राइमरी की इसलिए दिया हुआ है, ठीक है। तो प्राइमरी की हम इसलिए देते हैं ताकि हम एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें। सो नेक्स्ट है टाइटल, एंड इसे मैंने दिया है वेरकैर 50 इसकी लेंथ है, एंड इसे दिया है मैंने नॉट नल, इसका मतलब इसकी वैल्यू नल नहीं हो सकती, नल का मतलब इसमें वैल्यू ज़रूर होगी। ऑथर वेरकैर 50 नॉट नल, एंड प्राइस, प्राइस को मैंने दिया है फ्लोट, और 2 इसका प्रेसिडेंस है, मीन्स ये पॉइंट के बाद 2 अंकों तक इसकी वैल्यू रहेगी। तो प्राइस फ्लोट 7.2 एंड नॉट नल, इसकी वैल्यू भी नॉट नल है। नॉट नल का मतलब सिंपली ये है कि इन वैल्यूज़ के बगैर एक रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्रिएट पेजेस एंड लेट्स स्टार्ट कोडिंग। तो कोडिंग हम अगले वीडियो से करेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में।